Alright guys, I am Nati from Actors and Voice Actor Group. ज़्यादा वक्त ज़ाया और बर्बाद ना करते हुए कुछ important information देना चाहूँगा, specially for freshers जो dubbing industry में आना चाहते हैं. मुझे बहुत call आते हैं on a daily basis और यही सवाल किया जाता है कि सर हमने और already कोई दूसरा institute से training लिया है और हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, time waste हो गया, home setup नहीं बना पाए, घर में बाहर काम नहीं मिल रहा है. अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हो या कोई कपड़े को ख़रीदने जाते हो, तो आप उसका तालमेल करोगे, आप उस कपड़े को देखोगे, या कोई फल लेने जाते हो तो आप उस फल को देखोगे, या कोई सब्ज़ी लेने जाते हो तो सब्ज़ी को देखोगे. इसी तरह अगर आप कोई डबिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो सीखने के लिए, तो आप पहले उस डबिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता करोगे, आप उसके एक्स स्टूडेंट से पता करोगे, आप वो कोच के बारे में पता करोगे, उसने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, कितने लोगों को जानता है वो कोच, वो स्टूडेंट का रैपो कैसा है, रेपुटेशन कैसा है, वो क्लासेस का रेपुटेशन कैसा है. ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना टाइम दे सकते हैं. आपने चकाचौंध देख लिया, आप तुरंत कोई स्टूडियो में गए और वहाँ पे आपने सीखा और बाद में आपको लगा कि आपका पैसा वेस्ट हो गया, फिर आप कोई जेन्यून डबिंग क्लासेस या कोच के पास जाते हो और आप फिर उसको सवाल जवाब बहुत करते हो और फिर आप उसको बोलते हो कि नहीं, ऑलरेडी मेरा पैसा जा चुका है और मेरे को बराबर मार्गदर्शन मिलेगा या नहीं, मुझे काम मिलेगा या नहीं. किसी को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, एक बात ध्यान में बता देता हूँ. कोचिंग क्लासेस का काम होता है आपको सिखाना, उसके बाद आपको सिर्फ रास्ता दिखाना, आपको रिक्रूट करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम करते हैं. फिर से मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी क्लासेस जाते हो तो उसके बारे में सबसे पहले पता कीजिए, उसके स्टूडेंट्स से पूछिए, उसके आसपास के लोगों से जानकारी लीजिए, क्या ये जेन्यून क्लासेस है, या आपको काम मिलेगा इस, यहाँ से सीखने के बाद आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपको वो टेक्निकल कोड्स, डबिंग एक्सरसाइजेस, मेथड्स, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे या नहीं. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ दोस्तों. अगर आपको सचमुच दो रास्ते होते हैं डबिंग सीखने का, दो तरीके, बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ, या तो आप कोई स्टूडियो जाइए, वहाँ पे बैठिए, घंटों घंटों ऑब्जर्व कीजिए, रिक्वेस्ट करके आपके फ्रेंड से कोई भी डबिंग स्टूडियो में जाइए, रिकॉर्डिस्ट से पूछिए, रोज़ दो घंटा तीन घंटा वहाँ पे जाके बैठिए, वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे लिपसिंग पकड़िए, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन पकड़िए, बुक और पेंसिल लेकर जाइए, वहाँ पे सीखने का कोशिश कीजिए. मिनिमम आप 4-5 महीने अगर ऐसा करेंगे तो आप एक पॉलिश्ड वॉइस एक्टर की तरह बाहर निकलेंगे, या फिर कोई जेन्यून डबिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे लीगली, पैशनेटली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली आपको डबिंग सिखाया जाता है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड थिंक बिफोर यू मेक अ मूव. गॉड ब्लेस, जय हिंद.